हेलो एल्केन का जो अगला पार्ट है हेलो एरिन्स वो डिस्कस करने वाले हैं। सबके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पे हेलो एरिन्स टॉपिक आ रहा है 10.6 राजस्थान बोर्ड की बुक है आपकी, मुझे कंफर्म करना जरा कोई भी एक। हाँ सर, ओके गुड गुड, अब हम लोग फटाफट प्रोसीड हाँ करते सर हैं। आ रहे सबसे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हेलो एरिन्स होते क्या हैं। तो जैसे हमने एल्केन लिया था, एल्केन क्या थे बेसिकली, जो हेलो एल्केन क्या थे, एल्केन में हम लोग हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो आरएक्स बनते हैं हेलो एल्केन। उसी तरह से जो एरीन्स होते हैं, एरीन यानी कि एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है, बेंजीनोइड होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरीन में भी यदि हम लोग हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे, उससे प्रतिस्थापित कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ARX। ठीक है, ये यहाँ पे AR है, ARX। तो ARX हमारे हो गए हेलो एरीन्स। ठीक है, यहाँ पर AR है कोई भी एरोमेटिक रिंग और X है उससे जुड़ा हुआ हेलोजन। इसके उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हेलो एरीन है, कैसे, हेलोजन जुड़ा हुआ है सीधा एरोमेटिक बेंजीन रिंग से। ठीक है, इसी तरह से आयोडोबेंजीन है, इसी तरह से ये देखो ये ओ ब्रोमोटोलुइन है, ये ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन है, ऑर्थो पैरा और मेटा ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी एक हेलोरीन है, क्योंकि हेलोरीन की जो पहचान वो होती है कि एरोमेटिक वलय से हेलोजन सीधा जुड़ा हुआ होता है, वो एक्चुअल में हेलोरीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो हेलोजन है ब्रोमीन, वो एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा हो गया हेलोएरीन। ठीक है, और इसमें मिथाइल ग्रुप और ब्रोमीन जो है हेलोजन, इनकी पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है, 1-2 पोजीशन है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन। ठीक है, यदि एक दूसरे के विपरीत पोजीशंस पे हो, है ना, 1-4 पोजीशंस पे, यदि ये 1 है तो ये 4 है, इनको बोलते हैं पैरा पोजीशंस। ठीक है, बेंजीन रिंग में। ओके, अब यहाँ पर ये जो हेलोजन है Cl, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये मैं जो डायरेक्टली बोल रहा हूँ इसका मीनिंग है ना, आप इसको याद रखना है कि हेलो एरिन्स में हेलोजन बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा जुड़ता है। ठीक है, बीच में कोई कार्बन नहीं होता, है ना, तो ये भी हमारे लिए हेलो एरिन की कैटेगरी में है, जिसका नाम है पैरा क्लोरो टोलुइन। टोलुइन क्यों भाई, टोलुइन क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग से मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, इसलिए वो हो गया यहाँ पर पैरा क्लोरो टोलुइन। पैरा पे क्लोरो पोजिशन, क्लोरो है पैरा पोजिशन पे, और टोलुइन बेसिक कंपाउंड है। तो अब इनका नामकरण देखते हैं। नामकरण में बहुत सिंपल सा है, इन्होंने कहा कि ये जो सारे यौगिक हैं, है ना, इनको हम बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं, बेंजीन का व्युत्पन्न मानते हैं, इसका मतलब बेंजीन मेन कंपाउंड हो गया और ये हो गया आपका प्रतिस्थापी। ठीक है, अब ये प्रतिस्थापी हो गया तो इसको पहले लिखेंगे, तो नाम हो गया फ्लोरोबेंजीन, इसको लिखेंगे ब्रोमोबेंजीन। तो इन नाम में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, इनके कॉमन नेम ज्यादा चलते हैं, और बेंजीन का जो नेम है वो उसी को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो ही इतना फेमस है, वो हर जगह यूज हो रहा है, इसलिए IUPAC ने कहा कि ये जो कंपाउंड है इसका ये जो बेंजीन नाम रखा है किसी ने, हम इसी को IUPAC नाम स्वीकार करते हैं। ठीक है, इसलिए इनके IUPAC नेम ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन में और एरिल हेलाइड में सी एक्स बंध की प्रकृति, है ना, यानी कि ये जो हमारा ARX है, इसमें CX बंध की प्रकृति क्या होती है। सेम टॉपिक हमने हेलो एल्केन में भी देखा था, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन में यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो RX के लिए लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिखते जाएं, CX। तो यहाँ पर ये RX हमारा हेलो एल्केन है। अब यहाँ पर हेलोजन जो है वो कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका या SP2, मुझे बताइए आप लोग। एल्किल हैलाइड में हेलोजन कौन से, जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण क्या है, SP3 या SP2, इस कार्बन का। ओके, कोई बात नहीं, अब मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे ले लेता हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाए। SP3, ये जवाब किसने दिया भाई, बताओ SP3 जवाब किसने दिया। RX में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3X, है ना, है ना, ठीक है, CH3X को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया CH3 और ये हो गया X। अब मुझे एक चीज बताओ, इस कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का बताओ, बताओ
अरे इस कार्बन का संकरण क्या है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं? sp3 है, ये sp3 संकरित कार्बन है ना। जाहिर सी बात है, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, जिस कार्बन से एक पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसका संकरण होता है sp2, जिस पे एक ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ होता है उसका संकरण होता है sp। बहुत सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे तो चारों के चार ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, थोड़ी ना कोई यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन हो गया sp3। और मैं इसकी देखो संरचना भी चतुष्फलकीय बना रहा हूं, तो वैसे ही समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये जो arx है, arx में ये जो x है, ये यहां जो कार्बन है जहां मैंने अभी पॉइंट लगाया है वो कौन सा संकरण है बताओ जरा, वो कौन सा संकरण है? sp बोलो, sp2 बेंजीन में। जाहिर सी बात है वो बेंजीन का कार्बन है, वो sp2 है। कैसे पता चलेगा? बेंजीन के तो सारे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है, और बेंजीन के इस कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो sp2 ही हो गया। ये कोई बताने और कहने और सुनने की बात तो थी नहीं, ठीक है। अब एक्चुअल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर ये जो RX होता है इसमें इस बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हेलो एल्केन जब हमने डिस्कस किया था। तो अब हम इसमें और इसमें अंतर क्या है वो अंतर देखते हैं। बेसिकली आरएक्स में और एआरएक्स में सीएक्स जो बंद है उसकी प्रकृति का क्या अंतर है? तो ये हम लोग जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग से एक हेलोजन जुड़ जाता है, ध्यान से देखना आप लोग, जब बेंजीन रिंग से एक हेलोजन जुड़ जाता है कोई भी हेलोजन, तो हेलोजन के ऊपर होते हैं तीन लोन पेयर, ठीक है, इन लोन पेयर को वो बेंजीन रिंग में डोनेट कर देता है। इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस प्लस लग रहा है यहाँ की, इसका मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, है ना। प्लस का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसके इलेक्ट्रॉन प्लस एम इफेक्ट की वजह से, जिसको प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये मूव करेंगे कहां? बेंजीन रिंग में। और इस तरह से जैसे मैंने एरो से बताया है, और उसके बाद में जो अगली संरचना हो गई वो मैं यहां बना देता हूं। ये जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां पर आएंगे वैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर यहां आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने हाथ नहीं लगाया, इसको भी हमने हाथ नहीं लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये लोन पेयर ऐसे की ऐसे, ये लोन पेयर ऐसे की ऐसे, यहाँ लोन पेयर चला गया, हमने लगा दिया प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इसमें आगे क्या होगा ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, और इस बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल करके इस कार्बन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आगे चलता रहेगा। एक और बना लेते हैं, ये लो, है ना। अब ये हम बार बार करेंगे इसलिए ये आपको भूलना नहीं है, इस तरह की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करना है ये हम बार बार करेंगे, ये लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पर arx में, सुन लो भाई, arx में जिनको बोलते हैं हेलो एरीन या फिर बोलते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, क्योंकि यहां पर जो एरोमेटिक ग्रुप है उसको एरिल ग्रुप बोल रहे हैं, है ना, एरिल हैलाइड। तो इनमें cx बंध में द्विबंध, आंशिक रूप से द्विबंध के गुण होते हैं, मतलब ये आंशिक रूप से द्विबंध होता है ये, ठीक है, आंशिक द्विबंध होता है ये। देखो यहां पर द्विबंध है, यहां पर द्विबंध है, तो हेलोजन के प्लस एम या प्लस आर प्रभाव की वजह से हेलो एरिन्स में सी एक्स बंध में द्विबंध के गुण होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं यह आंशिक रूप से द्विबंध होता है, ठीक है। इसका जो हम इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, एक तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता करके, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो क्या है कि यहां पर अब एक चीज तो आप लोगों को पता ही है कि हेलो एरिन्स में जब यहां पर इसमें आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ गए सी एक्स बंध में, है ना, तो यह बंध हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई हो जाएगी कम, इसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे बताना जरा, किससे कम हो जाएगी इसकी बंध लंबाई, जो RX में CX बंध है, RX में CX बंध है उससे इसकी बंध लंबाई कम हो जाएगी, क्योंकि वहां sp3 कार्बन है इसलिए ऐसा कुछ वहां नहीं होता है, यहां पर इस तरह से होता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो अब इसकी बंध लंबाई हो जाएगी कम, इसका
जो हम लोग डेटा है वो है, इसकी है 1.77 एंगस्ट्रॉम और इसकी है 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, तो यहां पर ये आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ जाने की वजह से इसकी बंध लंबाई हो गई कम। किसकी? एरिल हेलाइड में कार्बन और हेलोजन बंध की। तो ये मूल अंतर है किसमें, किसमें भाई? एरिल हेलाइड में और एल्किल हेलाइड में, है ना, कि इसका जो जो सी एक्स बंध होता है उसमें द्विबंध के गुण होते हैं और ये उससे मजबूत होता है। ठीक है, इससे इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, इसकी बंध लंबाई कम हो गई तो, है ना। अब इसी तरह से हम लोग वाइनिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। वाइनिल क्लोराइड आप लोग जानते हो, आप लोग पढ़ चुके हो कितने तरह के ये जो हैलाइड्स हेलो एल्केन होते हैं, ये लो, ये वाइनिल क्लोराइड है। इसमें भी क्या होता है कि अनुनाद होता है, अनुनादी अनुनाद होने की वजह से यहां भी आंशिक रूप से द्विबंध के गुण आ जाते हैं। कैसे होगा अनुनाद? ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड बनेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव हो जाएंगे और इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। इसकी मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो CH2, अब यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। ये बंद पहले डबल था, अब सिंगल हो गया। यहाँ पर ये CH है, ठीक है, तो यहाँ पर ये CH है और यहाँ पर अब डबल बॉन्ड हो गया और ये है CL, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहां पर भी देखो आंशिक रूप से द्विबंध के गुण हैं, ठीक है, ये भी है आंशिक द्विबंध, है ना। तो ये है वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। तो वाइनिल क्लोराइड और ये जो हमारे एल्किल हैलाइड है इनमें एक ही सिचुएशन होती है, क्योंकि यहां पर ये बंधा रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हैलोजन, दोनों में, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में, ठीक है। अब देखते हैं इनके बनने की विधि। तो बनने की विधि तो हमने बात करी हुई है भाई, बेंजीन कौन सी रिएक्शन दिखाता है बताओ? बेंजीन का हैलोजनीकरण कराना पड़ेगा क्या? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? ये अभिक्रियाएं हम देख चुके हैं, बेंजीन का क्या करवाएंगे बोलो, बोलना जरा, हैलोजनीकरण कराएंगे बेंजीन का, है ना, इससे बनेगा ये। हैलोजनीकरण कैसे, इसके लिए अभिकर्मक क्या यूज लेंगे बताओ? ये सारा अब आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो हेलो, यस हेलो, हैलोजन तो हम लोग ये लेंगे, ठीक है, क्लोरीन, जब हमें क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, लेकिन इसके साथ में हम लोग लेंगे लुईस अम्ल, लुईस अम्ल लेंगे AlCl3, ठीक है, इसके साथ FeCl3 भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये जो लुईस अम्ल है इस तरह से ये लेंगे, तो ये अभिक्रिया कौन सी है बताओ, हेलोजनीकरण की अभिक्रिया ये कौन सी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है बताओ, बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यस, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही बनेगा, वो फिर प्रतिस्थापन करके अभिक्रिया देगा। ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सी है इसकी क्रियाविधि। सबसे पहले पुराना वीडियो देख लेना इसकी डिटेल मैकेनिज्म के लिए, यहाँ हम लोग थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। सबसे पहले ये जो रिएजेंट है दोनों, कौन, Cl2 प्लस में AlCl3, ये रिएक्शन करके बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही पे हम जानते ही है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो एक सीएल बन गया और एक जो सीएल माइनस है वो सीएल माइनस किसके साथ चला गया, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों चला गया भाई? क्योंकि ये लुईस अम्ल है और लुईस अम्ल ये इसलिए है क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसके जो बाह्यतम कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 ही है, इसलिए ये यहां से एक सीएल माइनस ले लेगा। ये सीएल को कहेगा अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके आओ, आना है तो सीएल माइनस यहाँ चला जाएगा। जब सीएल सीएल इस तरह से है और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया तो ये तो रह गया सीएल प्लस, है ना, तो यही हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, ये अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया, ये आक्रमण करेगा अगली स्टेप में किसके ऊपर, बताना जरा किसके ऊपर आक्रमण करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व की उपलब्धता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण है वहां पर, इसलिए
ये 6 पाई इलेक्ट्रॉनों को होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध है, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर करेगा अटैक। ये हम एक हाइड्रोजन बना देते हैं, वैसे तो सब जगह हाइड्रोजन है, एक जगह हमने बना दिया। ये देखो, ये इसने बेंजीन ने क्लोरीन ने जो क्लोरीनियम आयन है, ये क्लोरीनियम आयन है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स ने ही इसने किया बेंजीन रिंग पे आक्रमण, और बेंजीन रिंग पे आक्रमण करने से अब क्या बना, देखो अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं क्लोरीन के पास अपने, है ना, क्लोरीन जो सीएल प्लस है, क्लोरीनियम आयन, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेंजीन ने कहा तुम आ जाओ, इलेक्ट्रॉन हमारे पास है बोल करके, ठीक है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है पाई बंड के, पाई बॉन्ड के, ये निकल के आ गए यहाँ बाहर, और इनकी इनकी सहायता से बनेगा बंद, ठीक है। कैसे बंद बनेगा, ये सीएल उनसे जुड़ गया, हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ था, अब ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है ना, जहां मेरा कर्सर चल रहा है, ये बाहर आ गए, तो इसलिए यहां पर आ गया, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस बंद को हमने हाथ नहीं लगाया, इसको भी हमने हाथ नहीं लगाया, ठीक है। ये संरचना बन गई। अब आगे की कहानी हम कई बार कर चुके हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी हो गई, प्लस चार्ज है, इसको पूरा करने के लिए ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां, यहां बंद बनाएंगे, और इसमें ये मतलब एक रेजोनेंस हो गया इसमें, है ना, रेजोनेंस हो गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, ये बंद यहां चला गया, एक बंद को हमने हाथ नहीं लगाया, और ये सीएल ऐसे किए से, हाइड्रोजन ऐसे किए से, ठीक है। उसके बाद अगली बनी स्ट्रक्चर, इसको मेकअप करने के लिए ये यहां आया, और अब हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सीएल और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स बन गई, है ना। अब एक इनका होता, ये तो है अनुनादी संरचनाएं, ठीक है, अनुनादी संरचनाएं। अब एक इनका होता है अनुनादी संकर, ठीक है, इनका इनका अनुनादी संकर होता है ना, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती एरिनियम कैटायन, और जो इस तरह से बनाया जाता है, ये देखो, ये लो भाई, ये बन गया अनुनादी संकर Cl और ये H, ठीक है, ये अनुनादी संकर है ना, जिसको बोलते हैं एरिनियम कैटायन मध्यवर्ती, जो यहाँ पर मध्यवर्ती है, संक्रमण अवस्था नहीं है ये, ठीक है, ये है मध्यवर्ती। अब ये जो मध्यवर्ती है ना, आगे क्या होगा, ये जो एरिनियम कैटायन है ना, यहां से हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट स्टेप में, ये लो भाई, लास्ट स्टेप हमारी ये थी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ सीएल था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ एक बंद था, यहाँ एक बंद था, है ना। इससे जो शुरू शुरू में बना था एल्यूमिनियम Cl4- ये आएगा यहाँ पे, और इसकी वजह से ये जो एरिनियम कैटायन है, ये एक प्रोटोन का त्याग देगा, प्रोटोन को त्यागने से ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, देखो यहाँ तो एक बंद है ही, है ना, यहाँ पे एक बंद है ही, ये बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ बंद बन जाएगा, और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, इस तरह से प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ बंद बन गया, क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, प्लस में AlCl3 ऐसे के ऐसे निकल गया, और एक बन गया HCl, यहाँ पे एक इसमें से Cl- और ये जो प्रोटोन निकला है, ये दोनों मिलकर के बनानेंगे HCl। तो इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ये इसकी हो गई क्रियाविधि, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं ये कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का उदाहरण है हेलोजनीकरण का, जिसमें Cl2 और AlCl3 हमने लिया है। पहले इलेक्ट्रोफाइल बना Cl प्लस, उसने आक्रमण किया, एरिनियम कैटायन बना, एरिनियम कैटायन ने एक प्रोटॉन का एक त्याग किया और बनाया क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से ये इसकी बनाने की विधि थी सबसे पहली, ठीक है। अब हम लोग हमारी बुक में चलते हैं, हमारी बुक क्या कहती है, आखिर बुक भी कुछ कह रही होगी, ओके यस। तो ये पहला एग्जाम्पल है, इसको हम बात कर चुके हैं। यदि हम यहाँ ब्रोमीन लेंगे तो भी कोई बात नहीं, है ना, और लेविस एसिड के रूप में हम ये भी ले सकते हैं SbCl5 ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, उसमें कौन सा मेजर इश्यू है। यहां देखो भाई, यहां हमने टोलुइन लिया है, है ना, टोलुइन लिया है, तो फिर अब Cl2 कहां जाएगा बताओ भाई। देखो आ गया ना, जो मैंने सिखाया था वो आ गया, मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि टोलुइन में Cl2 कहाँ जाना चाहिए। ये लो भाई, ये हमने अभिक्रिया करवाई, ये हमने लिया टोलुइन, और टोलुइन की हमने हेलोजनीकरण कराया Cl2+AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसका हेलोजनीकरण होना है ना, तो अब हेलोजनीकरण में क्या जुड़ेगा भाई, Cl इलेक्ट्रॉन से नहीं जाकर के जुड़ेगा बेंजीन रिंग पे, तो वो कहाँ जुड़ना चाहिए बताओ। ऑर्थो मेटा पैरा तीन तरह के प्रोडक्ट संभव है, कहाँ जुड़ना चाहिए,
ये किस पे निर्भर करेगा, ये हम बात कर चुके हैं, ये निर्भर करता है हमेशा जो पहले से प्रतिस्थापी उपस्थित रहता है उस पर। अब पहले से प्रतिस्थापी कौन उपस्थित है बेंजीन रिंग पे, CH3, और CH3 अब मुझे बताओ ये सक्रियकारी है या विसक्रियकारी, और यह मेटा निर्देशकारी है या ऑर्थो पैरा निर्देशकारी, बताओ। ये हम बात कर चुके हैं, ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है, वेरी गुड, ये उत्तर एकदम सही है। और अब मुझे बताओ ये सक्रियकारी है कि विसक्रियकारी, इसने बेंजीन रिंग को सक्रिय किया या निष्क्रिय किया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए, बताओ। ये सक्रियकारी है, कैसे पता चला, सक्रियकारी इसलिए है क्योंकि बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन घनत्व की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दिखाता है। यदि वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा किसी ग्रुप की उपस्थिति की वजह से, तो वो उस ग्रुप ने बेंजीन रिंग को और सक्रिय कर दिया, ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं सक्रियकारी। यदि कोई ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बेंजीन की सक्रियता कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाओं के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन घनत्व ही तो जिम्मेदार था इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है। तो ये सक्रियकारी इसलिए है क्योंकि एल्किल समूह है और इसका होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेंजीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पुश करता है, और इसकी वजह से ये सक्रियकारी है और ऑर्थोपैरा निर्देशकारी है। ऑर्थोपैरा निर्देशकारी है, यदि आपको ये पता है तो आप सीधे प्रोडक्ट बना सकते हो, एक आपको ऑर्थो बनाना है और एक आपको क्या बनाना है, बोल दो जरा, बोलो, पैरा, एक आपको बनाना है पैरा। अब इनमें से ज्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, पैरा, ये पैरा है, ये ऑर्थो है, पैरा मुख्य उत्पाद होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा कम है, दोनों ग्रुप एक दूसरे के विपरीत स्थितियों पे है, यहाँ पर दोनों पास पास में है इसलिए त्रिविम बाधा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यदि हम लोग मैथिल टोलुइन लेंगे, मैथिल बेंजीन लेंगे, उसका हैलोजनीकरण कराएंगे तब क्या होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमने ब्रोमो बेंजीन बना लिया, क्लोरो बेंजीन बना लिया, लेकिन आयोडोबेंजीन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। आयोडोबेंजीन बनाने में क्या दिक्कत आ गई, आयोडोबेंजीन बनाने में दिक्कत ये आई कि ये जो HI से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, HI से रिएक्शन कराना पड़ता है, तो HI से आयोडोबेंजीन के लिए हम लोग आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब आयोडीन से रिएक्शन कराने के बाद में जैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तब बनता है HCl, ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तब बनता है HBr, इसी तरह से आयोडोबेंजीन बनाते हैं तब बनता है HI। अब ये HI है ना, बेंजीन रिंग से वापस रिएक्शन करके, बेंजीन रिंग से वापस रिएक्शन कर लेता है ये, ठीक है, इसलिए क्योंकि यह अभिक्रिया देखो क्या है, उत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय मतलब ये विपरीत दिशा में भी चलती है, तो ये वापस रिएक्शन कर लेगा बेंजीन से और उससे आयोडोबेंजीन, इसका वापस ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन के साथ आयोडीन की जो अभिक्रिया है ना, ये उत्क्रमणीय है ना, मतलब वापस रिवर्स डायरेक्शन में ये अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसको उत्क्रमणीय होने से रोकने के लिए हमें ये जो HI है इसको हटाना पड़ता है, इसको ऑक्सीकृत करना पड़ेगा, है ना। मैं इसको लिख देता हूँ, लिख करके बता देता हूँ आप लोगों को कि ये किस तरह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, हमने अभिक्रिया करवाई किसकी, बेंजीन की, किससे, आयोडीन से बना आयोडोबेंजीन, ठीक है, ये लो, और बन गया HI, ठीक है। अब इस HI ने वापस इससे आयोडोबेंजीन से रिएक्शन करके आयोडीन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, मतलब ये अभिक्रिया रिवर्स डायरेक्शन में चलती है, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी तो हमें आयोडोबेंजीन नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करना पड़ा, यहां पर एक ऑक्सीकारक लेना पड़ा, या तो HNO3 या H3PO4, ये एसिड हमने लिया ऑक्सीकारक, वो ऑक्सीकरण कर देगा किसका, HI का ऑक्सीकरण कर देगा और हमें ये प्रोडक्ट आगे मिलता रहेगा। आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि जब आयोडोबेंजीन बनाते हैं तो HI के साथ ऑक्सीकारक भी यूज लेते हैं, HNO3, H3PO4 या फिर HIO3, ठीक है, ये इसकी क्रियाविधि हम देख चुके हैं, है ना, ये सारा क्रियाविधि हम लोग देख चुके हैं। अगला है भाई पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण दो तरह से होता है, है ना, एक तो होता है एरोमेटिक रिंग में, एक होता है पार्श्व श्रृंखला में। देखो दोनों में कितना अंतर है, मैं दोनों अभिक्रियाएं लिखता हूं आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आएगा कुछ। एक तो मैंने लिखा बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग मैंने लिखा CH3, देखना बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, Cl2+AlCl3,
ठीक है, और एक मैंने लिखा CH3, इसका भी ये भी हेलोजनीकरण है Cl2 और H न्यू प्रकाश की उपस्थिति में। बताओ भाई पहली में क्या उत्पाद बनेगा, बताओ बोलो। पहली अभिक्रिया तो हम अभी कर चुके हैं ना, क्या बनेगा, एक ऑर्थो और एक बोलो पैरा, एक तो ऑर्थो बनेगा, ये लो एक तो ऑर्थो पे जाएगा Cl प्लस में एक पैरा पे जाएगा, क्योंकि ये है एरोमेटिक हेलोजनीकरण। देखो ध्यान से देखो इन दोनों में क्या अंतर है, ये एरोमेटिक हेलोजनीकरण है। कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हेलोजनीकरण है लेकिन एरोमेटिक हेलोजनीकरण है। एरोमेटिक हेलोजनीकरण में यहाँ पे चाहे कितने ही ग्रुप लगा दो, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दो यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन जाएगा बेंजीन रिंग पे ही, बेंजीन रिंग पे ही जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ये देखो बेंजीन रिंग से अटैच हुआ क्लोरीन, बात समझ में आई। इसको बोलते हैं एरोमेटिक हेलोजनीकरण, एरोमेटिक रिंग पे हेलोजनीकरण हो रहा है ये। ठीक है, एरोमेटिक हेलोजनीकरण। और ये जो है ये पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण है, जो हम हेलो एल्केन बनाते हैं उसमें ये जो विधि है ये देख चुके हैं कि यहाँ पर ये जो सनलाइट की उपस्थिति में इससे रिएक्शन हो रही है Cl2 से। ठीक है, यहाँ पर ये एरोमेटिक हेलोजनीकरण नहीं होगा, मतलब यहाँ पर हेलोजनीकरण तो होगा लेकिन हेलोजन बेंजीन रिंग से जाकर के नहीं जुड़ेगा, ये एरोमेटिक हेलोजनीकरण है नहीं है, यह है पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। यानी कि बेंजीन रिंग से यदि कोई श्रृंखला जुड़ी हुई है, यदि कोई शाखा जुड़ी हुई है उस पे जाकर के हेलोजनीकरण होगा, इसे कहते हैं पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण। ठीक है, तो यदि आप ये वाला हेलोजनीकरण कराओगे Cl2 प्लस सनलाइट तो आपको उत्पाद ये मिलेगा, मतलब Cl2 आपको बेंजीन रिंग पे नहीं जोड़ना, Cl2 आपको यहां जोड़ना है। अब प्रतिस्थापन यहां होगा, ये है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, सुन लो ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है। ठीक है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है और ये है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन